गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं रीति खोरा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। आज है संडे और संडे के दिन ना बहुत ज्यादा ही काम रहता है, बट आज मैंने ना कुछ काम निकाला ही नहीं है और आज ना मुझे बेडरूम की डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी है। तो सब कुछ काम वैसे मेरा हो गया है, बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है वही करूंगी, बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने अच्छी तरह से मेरा बेडरूम पूरी तरह से डीप क्लीन किया था और कर्टन वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए थे, तो वो अब देखती हूँ एक दो दिन बाद आराम से करेंगे। अभी फिलहाल सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 10:30 बजने ही वाले हैं और संडे होता है ना तो दिन की शुरुआत ही थोड़ा लेट से स्टार्ट होती है, बिकॉज थोड़ा आराम रहता है और सबको छुट्टियां होती है, बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना होता है, तो संडे यानी कि बेस्ट डे। चले तो अभी मैं तो जा रही हूँ नीचे किचन में, बिकॉज आज ब्रेकफास्ट बनाना है। अब लंच का तो कुछ अभी तक डिसाइड नहीं है, पर ब्रेकफास्ट बनाने किचन में जा रही हूँ। अब देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, वैसे ज्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा नीचे किचन गरम गरम सा ब्रेकफास्ट बनाने। मेरा ब्रेकफास्ट एकदम से बन के रेडी हो गया था, वैसे ज्यादा कुछ चीजें मैंने नहीं बनाई है और हेमल भी यहाँ पे फ्रेश हो गए हैं। हाय हेमल, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हैप्पी संडे। हैप्पी संडे। कवर्ड क्यों आपने खुला रख दिया है? खुला रख दिया, अभी टी शर्ट निकाला ना मैंने, यस इसलिए। चलिए तो अभी ना ब्रेकफास्ट आज करना है और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हेमल मुझे बहुत सारा काम है। वो सब मेरे जो सैंडल्स है ना जो पहनती हूँ, वो शादी से लेके अब तक सब कुछ इधर उधर इधर उधर, एक तो मिल भी नहीं रहा है एक दो, तो उसमें एक पैर है, पैर पूरी मिल ही नहीं रही है, तो वो सब कुछ मुझे ठीक करना है। सो इसलिए ना वो सब कुछ ठीक करूंगी, सो वो सब कुछ मुझे करना है और आप लोगों के साथ ना मेरा पूरा सैंडल कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ आज। सो हेमल आज ना एक न्यू करेंगे, ठीक है, पूरा सैंडल कलेक्शन। मेरे पास आई थिंक कितने सैंडल हो गए चलिए आप बता सकते हैं, सब चप्पल सैंडल्स जूते सब कुछ कितने होंगे? आई थिंक 5 to 7 आसपास हो गया। हेमल बोल रहे हैं कि 5 to 7। अब जब मैं अच्छी तरह से ठीक करूंगी ना तब वो गिन के ही आपको दिखाऊंगी, मुझे भी नहीं पता कितने हैं वैसे। चलिए तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, गरम गरम चाय हेमल के लिए बनाई है और मेरे लिए कुछ और ही है, चलिए दिखाती हूँ। सो गाइस हम लोग बैठ गए हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने, ना कि लंच करने। सो चलिए दिखा देती हूँ कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाया है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं बनाया है, सो सब कुछ जो रेडी रहता है ना वही है हेमल। रिच ना बोलते है ज्यादा कुछ नहीं, ये देखो प्लेट भर के रेडी है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट प्लेट भर के कौन करता है ब्रेकफास्ट? संडे के दिन सब गुजराती प्लेट भर भर के ही ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग फाफड़ा जलेबी नहीं मिस कर रहे हैं, वरना फाफड़ा जलेबी भी खाते हैं हमारे गुजराती, आपको पता है ना। चलिए तो अभी हम लोग दिखा देते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है गाठिया और उसके साथ है यहाँ पे वेफर्स, सोया स्टिक, और आज ना मैंने बनाए थे देखिए सूजी के ढोकले। हेमल मैंने ना सूजी के ढोकले बनाए हैं, वैसे ज्यादातर बेसन के ढोकले बनाते हैं ना, बट मैंने आज सूजी के ढोकले बनाए हैं। मुझे ये पसंद है, यस सूजी के, इसलिए सूजी के ढोकले। उसे रात को ही मैंने फर्मेंटेशन करने के लिए रख दिया था, फटाफट से सुबह पे गैस पे चढ़ा दिया तो फटाफट से बन गए और फिर उसको वघाड़ कर दिया। चलिए अभी क्या दूसरा है, स्पाइसी बनाया ना? यस स्पाइसी बनाया है। और इन सब के साथ देखिए यहाँ पे है क्या है, ये है यहाँ पे बटर वाली ब्रेड, हेमल की फेवरेट। और हेमल ना ये बटर वाली ब्रेड जो होती है ना उसको ये गरम गरम चाय के साथ पीते हैं, पीते नहीं खाते हैं। सो हेमल के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है गर्मा गर्म चाय और आज ना हेमल को मैंने ये कप दिया है क्योंकि ये कल तबेले वाले के कप में है ना, अपने लिए मैंने कुछ और ही बनाया है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कल्लू तबेले वाला नहीं, कल्लू दूध वाले की भैंस का दूध। तो इसमें दूध नहीं है, इसमें चाय भी नहीं है, इसमें क्या हो सकता है हेमल? क्या है इसमें? कुछ नई चीज बनाई है मैंने, क्या फटाफट से बोल दो। चलो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ नया नहीं है, ये इंस्टेंट वाला सूप आता है ना वो सूप मैंने बना दिया है अपने लिए। चाय मैं पीती नहीं हूँ और मिल्क मुझे पीना नहीं था इसलिए तो हेमल पानी पी लो। पानी क्यों, ये सूप तो है इसलिए ना मैं पीऊंगा। देखिए हेमल ऐसा चीटिंग कर रहे हैं, ऐसे चीटिंग नहीं करते हेमल,
इसलिए मैंने अपने लिए सूप बनाया है और पी है मिल रहे हैं। देखिए इवनिंग तो अभी हो गई है शाम और सुबह को ना ब्रेकफास्ट करके जैसे ही हम लोग फ्री हुए ना उसके बाद का सब कुछ काम कर रही थी। और जैसा कि मैंने सुबह आप लोगों को बोला था कि मुझे सैंडल का सब कुछ वो निकाल के, तो वो सब कुछ भी काम कर रही थी और साथ में ना घर पे गेस्ट भी आए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। और हेमल भी वापस से घर पे नहीं थे इसलिए ना मैंने अभी शाम हो गई है और अभी ना सब कुछ निकाल के रख दिया है। सभी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ और हेमल भी वापस आ गए है घर पे। हाय हेमल। हाय हेमल, आपको कुछ आइडिया है? आपने दोपहर को बोला था कुछ कुछ आइडिया नहीं। हाँ, कितने सैंडल बोले थे हेमल ने? आई थिंक 5 to 7 बोले थे। यस, हेमल ने बोले थे 5 to 7 सैंडल। ठीक है, 7 ही, चलो ना। ठीक है, अभी ना मैं आपको थोड़ी देर में सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कितने सैंडल हैं। हेमल को तो नहीं पता है, वो तो सिर्फ मुझे ही पता है कि मेरे पास कितने सैंडल्स, जम्पर, शूज, सब कुछ करके ना कितना कलेक्शन है मेरा। सो वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ, सब कुछ अभी लेके आती हूँ और हेमल को भी दिखाती हूँ। ठीक है, देखना आप। ठीक है, देखना, कोई बात नहीं, नहीं होगा 7 to 8। ठीक है, वो वैसे भी मैंने आप सुबह बोला था ना कि अगर नहीं होंगे ना मेरे पास तो हेमल और मुझे दिलवाएंगे और अगर होंगे तो पार्टी देंगे। तो क्यों, उसमें क्या नुकसान तो मेरा ही ना। हाँ, वो तो नहीं होंगे तो तुम्हें दिलाना पड़ेगा मुझे। और नहीं होंगे, होंगे तो पार्टी, नहीं अच्छा। होंगे तो सैंडल। ठीक है, फायदा मेरा, नुकसान है हेमल का। चलिए ना देखते हैं, आपको क्या लगता है वैसे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, मैंने तो बोला। हाँ, ऐसे बोल तो दिया 5-7। देखिए 5-7 ऐसा बोला है। 8। चलिए अब 7 से 8 तक आ गए हैं, क्या 8 होंगे? चलिए अभी देखते हैं। सो गाइस, रिचना कलेक्शन उसका सैंडल का लेके आ गई है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। रिच, चलो दिखा दो। सब कुछ लेके आ गई हूँ, अभी एक एक करके दिखाऊंगी। आपको क्या लगता है? अभी भी पूछ रही हूँ मैं। आई थिंक मुझे तो लग रहा है मैं ना हार जाऊंगा। यस, हेमल हारने वाले है। सुबह मुझे पता था, जब हेमल बोले ना 5 या 7 होंगे तभी मैंने बोला कि हार गए हेमल। चलिए अभी दिखाती हूँ, एक एक करके दिखाऊंगी। एक एक करके दिखाओ, चलो फर्स्ट पहला वाला दिखाओ। चलिए तो फर्स्ट वाला आ गए है हेमल, कैमरा नीचे खींचे। सो ये फर्स्ट वाले तो मैंने दिखा दिए, अब एक एक करके ना सारे दिखाऊंगी, बट पहन के नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही दिखाऊंगी। और जो मेरे फेवरेट वाले हैं ना वो सब पहन के दिखाऊंगी। ठीक, फर्स्ट वाला ना हेमल एक बार फिर से अच्छी तरह से दिखा दीजिए। देखिए ये है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले ना पुराने चप्पल से स्टार्ट करते हैं जो कि मैं टेरेस के ऊपर पहन के जाती हूँ। देखिए ये रहे, सो यहाँ पे नीचे रखूंगी। तो ये ना टेरेस के ऊपर पहन के जाती हेमल, इस चप्पल में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? एक दिन ना ये टेरेस पे पहन के ऊपर ही रहता है, ये चप्पल टेरेस के लिए है। सो ये टेरेस पे ही मैं भूल के चली आई थी, तो हमारे टेरेस पे वो आते हैं ना कैट। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे कैट ने क्या किया, क्या किया? चप्पल खा गया। उसे ना पता नहीं क्या हुआ होगा, यहाँ से पूरा ये खा गया और देखिए उसके दांत भी लगे हुए हैं। तो ऐसा कर दिया, ये ना टेरेस पे ही पहनती हूँ तो ऊपर ही रहते हैं। अब दूसरा दिखाती हूँ। दो हुए ना रिट्स? हाँ, दो हुए, दो हो गए, अब तीसरे की बारी है। चलिए, सो देखिए यहाँ पे आ गए मेरे तीसरे सैंडल। अब मैं दिखाती हूँ मेरे चौथे नंबर के सैंडल्स। देखिए, दिखाती हूँ 5 जो कि मैंने हाल ही में लिए हैं, बट ये रेगुलर पहनती हूँ ना तो ऐसे खराब हो गए हैं। ये जो सारे दिखा रही हूँ ना वो ऐसे पुराने वाले ही दिखा रही हूँ। फिर ये भी देखिए, ये भी मैं रेगुलर में ही पहनती हूँ, यहाँ पे है। कितने हुए रिच्स? मुझे भी नहीं आइडिया। देखिए चलिए, वो तो मैं लास्ट में ऐसा हो ना तो साथ में गिन के दिखाऊंगी। अभी नहीं, आप सिर्फ देखते जाइए। अभी तो ये पुराना कलेक्शन आ रहा है, अभी नया तो सारे का सारा बाकी है। सो और ये भी मैं पहनती रहती हूँ ज्यादातर। देखिए यहाँ पे ये ना, वो मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो ये, और ये साड़ी के लिए है, साड़ी वगैरह पहनते ना तो ये इसमें पहनते। वैसे तो सब जगह पे चलता है बट कभी कभी पहन लेती हूँ, अभी भी है। और ये भी मेरी फैब्रिक, ये ना मैं बाद में पहन के दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। ट्रेडिशनल वर्क अच्छी होता है ना, वो मेरा फेवरेट है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये मैंने बहुत ज्यादा कम पहनी है, बिकॉज ऐसी ऑलमोस्ट मेरे पास है। देखिए ये पहनी हुई है ना, पहनी हुई, कलर भी चला गया है इसका। ये दोनों मैंने साथ में ली थी, वहां से हम लोग गए थे ना कच्छ कूच घूमने के लिए, तब ली थी ये मैंने, बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। तो अभी ये थोड़ी नई है, वो पुरानी वाली हो गई है। ये वाले भी है यहाँ पे, देखिए ये है साथ में, देखिए हमारी ये भी है। अभी तो देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है। और ये ना एक बहुत अच्छे सैंडल दिखाती हूँ, वो ना मैंने सिर्फ और सिर्फ
एक दिन भी पूरा नहीं पहना है। हाँ? चार या पांच घंटे आई थिंक पहने होंगे, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है वैसे कितने घंटे पहना है वो, बट एक दिन भी मैंने पूरा वो सैंडल नहीं पहने है और उसके बाद मैंने आज तक वो सैंडल ही नहीं पहने। बोलिए अभी वो कौन से वाले है? चलो फटाफट दिखा दो। देखिए ये रहे। ओह माय गॉड। अब ये रेड कलर देख के ऑलमोस्ट सबको पता चल गया होगा ये था मेरा वेडिंग के सैंडल है। सिर्फ वेडिंग के टाइम पे ही पहने थे, उसमें भी मंडप में बैठने के टाइम तो ये बेचारे बाहर पड़े हुए थे, वहां पे तो सैंडल्स पहने नहीं थे, तो सिर्फ मेरी एंट्री के टाइम पे पहने थे और शादी करने के बाद जब यहाँ पाई थी ना तब पहने थे। फिर ऐसे कैसे अभी दो साल से ही पड़े है। देखिये हम यहाँ पे जैसे टेढ़े हो गए है वरना ये ऐसे है पूरे के पूरे। देखिए पर इसके ऊपर ना वजन रह गया था इसकी वजह से ऐसे हो गए हैं। सोहेमल अब ना जो सैंडल है ना वो मेरे फेवरेट है तो वो वापस से पहन के दिखाती हूँ कि कैसे है। ठीक है वो ऐसे ही नहीं दिखाऊंगी, वो पहन के ही मुझे दिखाने हैं, इसलिए चलिए पहनते हैं। चलिए तो मैंने पहन लिए हैं और ये जो सैंडल है ना वो मेरे फेवरेट फेवरेट मोस्ट ऑफ फेवरेट कहते हैं ना वो वाला सैंडल है, तो दिखाइए। देखिए ये ना मेरे फेवरेट एकदम से है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला सैंडल। अभी भी है थोड़े बहुत, वो भी दिखा देती हूँ। चलिए सो अभी ये देखिए ये भी मैं अभी पहनती ही हूँ हाल में बहुत ज्यादा। साथ में है ये मेरे शूज जो कि मैं बहुत ज्यादा कम पहनती हूँ, कभी कभी ही पहनती हूँ। देखिए यहाँ पे है। अब लास्ट में दो रह गए नहीं है लास्ट में रह गए है दो नहीं। चलिए दिखाती हूँ। सो देखिए ये भी ना मेरी फेवरेट फेवरेट और फेवरेट है और साथ में है ये भी देखिए। सो देखिए ये है मेरी फेवरेट वाली, जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट में दो नहीं है और भी है बट अब और नहीं है, इतने ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और हाँ हेमल अभी भी ना दो है बट वो तो नीचे रहते हैं इसलिए लेके नहीं आई हूँ, जो घर में पहनती हूँ ना नीचे वो चप्पल वगैरह है वो नीचे है और एक ना ऐसे ही यहाँ पे बाहर कहीं कुछ जाना हो यहाँ पे तो वो है, वो दो अभी नीचे है सो वो भी आप लोगों को नहीं दिखा रहे हूँ बिकॉज वो नीचे है, अभी लेके नहीं जाऊंगी। अभी इतने सारे नहीं इतने कम है अभी हेमल, पता नहीं मुझे आज पार्टी देंगे या तो फिर सैंडल्स दिलवाएंगे, अब वो तो हेमल की मर्जी की बात है बट हेमल हार चुके हैं। चलिए तो अभी सारे के सारे एक साथ दिखाती हूँ आप लोगों को। और गाइस ये सारे के सारे सैंडल्स चप्पल वगैरह है वो मेरे ही है, अगर किसी को ऐसा हो कि किसी और के है तो ऐसा नहीं है बिकॉज किसी और के चप्पल तो मांग के नहीं ला सकते ना, ये सारे के सारे मेरे ही है। अमन को तो पता ही है कि मेरे पास सब कुछ है, अमन ने देखा हुआ है, अमन जब भी हो ना तो अमन ऐसा बहुत बोलता था मुझे कि तेरे पास कितने चप्पल है कितने सैंडल है, इतने चप्पल सैंडल का करोगी क्या। सो अमन को पता है, मम्मी को घर में सबको पता ही है कि मेरे पास इतने सारे सैंडल्स है। पता नहीं हेमल कैसे भूल गए होंगे, आई थिंक बिकॉज हेमल काम में रहते हैं इसलिए भूल गए होंगे। चलिए तो अभी सारे के सारे एक साथ में आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छी तरह से और गिनते भी है कि कितने कितने होते हैं। सो चलिए अब एक एक करके काउंट करते जाते हैं और दिखाती भी जाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसलिए हेमल तो हार चुके हैं, तो पार्टी तो पक्की है हमारी। 19 सो पूरे के पूरे है 19 और दो नीचे है इसलिए 20 और 21 सिर्फ मेरे पास 21 ही सैंडल्स है। सो यहाँ पे ना पूरे के पूरे 19 तो मैंने दिखाई दिए है और दो नीचे यानी कि 20 और 21, तो चलिए अब सब सारे के सारे सैंडल्स एक साथ में दिखाती हूँ। सो चलिए सारे के सारे मेरे सैंडल है वो सारा का सारा मेरा सैंडल कलेक्शन आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे भी इतना पता नहीं था कि इतने सारे सैंडल्स मेरे पास हो गए, मुझे लगा था कि 12 या 15 हो जाएंगे बट ये तो 90 हो गए,
हिमालय ने सुबह बोला था कि 5 के साथ, तभी मुझे ऐसा लगा था कि नहीं 10-12 तो होंगे ही मेरे पास, बट इतने सारे हो जाएंगे ना वो तो मुझे भी नहीं पता था। 90 तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। सो चलिए अभी तो फिलहाल हम लोग फटाफट से होते हैं रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो जल्दी जल्दी से फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं और चलते हैं हम लोग घर से। गाइस अभी मैं हो गई हूँ रेडी और हेमल भी यहाँ पर रेडी है। हाय हेमल, चलिए अब चलना है ना। चलो मैं रेडी हूँ। कब? चलिए हम दोनों रेडी है, कब से नहीं, आज आप लेट हो गए थे। सो हम लोग हो गए हैं रेडी, अभी जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं हम लोग घर से। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, जैसा कि मैंने घर पे ही बोला था कि हम लोग जा रहे हैं बाहर। सो हम लोग आ जाए हैं डिनर करने के लिए चामुंडा, द ग्रैंड चामुंडा में। सो चलिए चलते हैं अंदर। चलिए तो फाइनली डिनर करने बैठ गए हैं और हेमल ऑर्डर में क्या दे रहे हैं डिनर में आज? क्या अभी देख रहा हूँ इतना बड़ा मेनू है, एक तो पूरी की पूरी किताब है, इतनी ज्यादा इतनी देखे जो खाना, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। चलिए तो फाइनली हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ गया है, एकदम से गर्मा गर्म सा हमारा डिनर। यहाँ पे क्या क्या मंगवाया है, मतलब क्या मंगवाया है वैसे? बस चीज पनीर बटर मसाला। देखिए यहाँ पे पनीर की सब्जी है, चीज पनीर बटर मसाला, साथ में रोटी, रोस्टेड पापड़, यहाँ पे नान, बटर मिल्क। चलिए तो अब हम लोग हमारा गर्मा गर्म सा डिनर फटाफट से डिनर कर लेते हैं। चलिए तो हमारा डिनर हो गया है कम्प्लीट, बहुत ज्यादा मजा आया डिनर करके। चलिए अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और फिर चलेंगे हम लोग घर पे। हे गाइस हम लोग डिनर करके वापस पहुँच गए घर पे और डिनर करने में ना बहुत ज्यादा मजा आया। और जब हम लोग डिनर करने गए थे ना, तब सडनली ही हेमल को कॉल आया था उसके फ्रेंड का। हेमल कहाँ पे, वो बड़ोड़ा रहते हैं ना? हाँ, हेमल के जो फ्रेंड है वो बड़ोड़ा रहते हैं। तो वहाँ से क्लासमेट, ओके, तो वहाँ से कॉल आया था और व्लॉग के बारे में बोल रहे थे कि वो लोग वहाँ पे व्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हैं, ऐसा सब कुछ हेमल को कह रहे थे। हाँ, वो बोल रहे थे तो फैमिली मेंबर है ना, वो यहाँ पे पोरबंदर पे है। अच्छा, तो उसका कॉल आया कि हमारे पोरबंदर में व्लॉग्स बनाते हैं, तो उसने बोला कि मुझे लिंक भेजो तो मैं देखता हूँ। तो उसने देखा तो सडनली पता चला कि ये तो मेरा फ्रेंड है। अच्छा, ऐसा। तो सडनली मुझे कॉल आया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप, और मेरी तरफ से बोलना कि बहुत अच्छा लगते हैं व्लॉग उसको। तो वैसे तो ना वो बहुत कुछ बातें कर रहे थे फोन पे व्लॉग्स के बारे में। सो दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पाती हूँ। तो सबको दिल से थैंक यू, और आपको भी सपोर्ट करते रहे। आपको भी दिल से थैंक यू। और हेमल कह रहे हैं कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, और हेमल का ना फोन बीच बीच में आ रहे हैं। सो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ती हूँ और सब लोगों को व्लॉग्स देखना पसंद है, तो इसकी वजह से ना दिल से थैंक यू सो मच। सो चले फिलहाल अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। आज का व्लॉग फिलहाल अब मैं यही पेंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल हरी मधु लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय। सो देखे ये खाली